आज का मीटिंग में कमरेड प्रेसिडेंट, कमरेड कुंजीकर्णम, कमरेड जीएस और उपस्थित ऑल कमरेड्स और विभिन्न राज्यों में आने वाला जो प्रतिनिधि उड़ीसा हो, जो वेस्ट बंगाल हो, केरल हो, जो हो, सब साथी को मेरा लाल सलाम। साथियों, अभी हमारा बहुत बड़ा दायित्व है हमारा पार्टी को आगे लेने के लिए। अभी 12th पार्टी कांग्रेस करने वाले हैं वो तो केरल कोझिकोड में। आप देखिए, वो जो नरेंद्र मोदी सरकार हो के उड़ीसा में जो 25 इयर्स हो गया नवीन पटनायक हो, ये किसके लिए? वो साधारण जनता के लिए नहीं है, वो खुद वो जो पूंजीपति के लिए, वो माफिया के लिए, शिल्पपति के लिए काम कर रहा है। आप देखिए, वो विकास का नाम ने ओनली वो जो वर्ल्ड अवार्ड ऐसा ऐसा चल रहा है, वो जनता का क्या फायदा हुआ है? अभी तो कुछ नहीं है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जो बोला 2014 में, अभी अच्छा दिन आ गया, हम लोग देखने ही पड़ेगा। अभी अच्छा दिन कहाँ से, वही तो आया वो नोटबंदी को लेकर। अभी किसान के ऊपर जो दमन, आप देखिए लेबर और श्रमिक का ऊपर जो दमन, तो महिला का ऊपर जो दमन चल रहा है, वो लास्टली वो जो स्टूडेंट है, वो जो नौजवान है, उनको अग्निपथ नाम ने वो जो योजना के पे योजना के लेकर अभी जो दमन कर रहा है, वो लोग को हम लोग वो हमारा क्या पॉलिसी होना चाहिए, कम से कम वो हम लोग को निर्णय करना पड़ेगा। आप देखिए, उड़ीसा में जो शिवराम था, वेस्ट बंगाल शर्मिष्ठा हमारा पास नहीं है। उड़ीसा में जितना मूवमेंट है, कलिंग नगर आंदोलन को लेकर, पोस्को आंदोलन, अभी जो जिंदल मूवमेंट चल रहा है, एवरी डे वो अरेस्ट कर रहे पुलिस और नवीन पटनायक सरकार, किसी को वो अधिकार नहीं है। ओनली बोले वो बेटी बचाओ, बहुत सारे महिला को सम्मान मिल रहे है, वो झूठ बात बोल रहा है। वो उनका वो जो ड्रामाबाजी है सबको मालूम है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबका अधिकार है, सबका भाषा के लिए अधिकार है, सबका अधिकार है। वो जो चाहता है हम लोग एक भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो फांसीवादी शक्ति हमारा बीच में, हमारा जो अंदर में आने के लिए प्रयास करे, सब एकाठी होकर हम लोग फाइट करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग जितना हमारा साथी जो ग्रास रूट लेवल है, आप देखिए उड़ीसा में हम लोग इतना फाइट किया, वो जो झोपड़ी वासी स्लम डुअलर्स को घर मिला नवीन सरकार, योजना पर योजना, बहुत सारा योजना। आप देखिए वो वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना को लेकर, वो प्रधानमंत्री आवास योजना, वो लास्ट में बोला 2022 सबको घर देंगे, और कहाँ पर घर देंगे? वो तो वो जो जुमलाबाज कर ले गए वो लोग को, उसी को हम लोग वो फाइट करने के लिए प्रयास करेंगे। मैं अपील कर रहा हूँ, वो हमारा सामने जो जो है सबको लेकर हम लोग वो कृषक हो, वो श्रमिक हो, महिला को, स्टूडेंट को, सब लेके एक वो फांसीवाद मोर्चा बनाएंगे। वो सब साथी को वो जितना जितना हमारा साथ आएंगे। अभी तक देखिए कितना जेल में है पता नहीं, वो सरकार की को तो महिला के लिए, महिला जेल, महिला आपके लिए, वो महिला पुलिस से सब है, वो कुछ नहीं है। इसीलिए मैं अपील करता हूँ हमारा जो पार्टी कांग्रेस को सफल करने के लिए सबका वो कोशिश करेंगे, वो फांसीवाद मोर्चा बनेगी, वो फांसीवाद शक्ति को हराने के लिए प्रयास करेंगे। इतना को वक्तव्य को लेकर सबको लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, सीपीएम एल स्टार जिंदाबाद।